मुझे शर्म आती है वो मुसलमानों से जो अपने घरों में बच्चों को पैंपर पिलाते। आप बोलेंगे मौलाना पैंपर पिलाने में क्या तकलीफ है? सुनो, आज मैं वो बहनों तक भी आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं जो अपने बच्चों को पैंपर पिलाते हैं। पहले जमाने में ये होता था, फाली बनी जाती थी, बच्चा पेशाब करता वो फाली निकाल ली जाती थी, उसके वो जिस्म को वो हिस्से को पोंछ दिया जाता था। अब क्या हो गया, बच्चे को आप पैंपर बन के बोले बेटे तू 10 वक्त उसमें कर ले, तेरे को परेशानी नहीं होगी। अब उन्हें शुरू से तहारत लेने के काबिल रहेगा? तहारत इसलिए मालूम रहेंगी उसको, पहले अम्मा तो पहले थाली में साफ करते थे, पानी से धोते थे, अब यहाँ तो धोने की भी जरूरत नहीं, दिन ताम वैसे फिरता, शाम में जाके पैंपर बदल रहे। अफसोस, सद अफसोस, आपने बच्चे को पैदा होने के बाद नापाकी का दर्स भी माँ बाप सिखाए। नापाकी जो सिखाए वो कोई और नहीं सिखाया, आप हम सिखाए। बेटे पेशाब पे पेशाब कर लेते हो, पेशाब पे पेशाब, वो पूरा पैंपर भर गया तो हम खाली कर दो। अब बच्चा बोल रहा बड़े होके भी आए पेशाब कर लिया तो उड़ गया तो कोई बात नहीं, लाइट चलता वो भी, बल्कि उन्हें यह समझ रहा पेशाब भी इतर है नहीं, पेशाब कर लेके वैसे उठ जा रहा हो गया। याद रखो, पेशाब का एक भी खतरा अगर आपके कपड़ों को लगता है तो आप नमाज अदा नहीं कर सकते, नमाज पढ़ नहीं सकते। अब आप बोलो नमाज पढ़ने के वक्त हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अगर आवाज आई, आप जा सकेंगे नमाज को? और दूसरी मुसीबत और एक आ गई बड़े नौजवानों के पास,